दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम बटन मशरूम का मदर टिश्यू कल्चर कैसे रेडी कर सकते हैं। तो हमें इसके अंदर जो जो रिक्वायरमेंट है, हमें बिल्कुल फ्रेश बटन मशरूम चाहिए। ये ताज़ा बटन मशरूम है जो मैंने मार्केट से अभी खरीदे हैं और इन्हीं का यूज करके मैं आपको टिश्यू कल्चर बनाना सिखाता हूँ। तो चलिए एक बार प्रोसेस को रेडी करते हैं। हमें सबसे पहले अपने हाथों को स्पिरिट से साफ कर लेना है अच्छे से, और हमें इसके लिए चाहिए हमें टेस्ट ट्यूब चाहिए जो अगार मीडिया से बनाई है हमने। अगार मीडिया कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, तो इन्हीं टेस्ट ट्यूब को यूज करके मैं आपको बताता हूँ कि हम टिश्यू कल्चर कैसे बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले जो आपकी बटन मशरूम है, हम उस बटन मशरूम को, ये हमारी जो पेट्री प्लेट है वो स्टरलाइज की हुई है ऑटोक्लेव के अंदर, तो हम उसमें से एक पीस निकाल लेते हैं और उस पीस को बिल्कुल बीचों बीच हम उसको कट करते हैं। ये देखिए, बिल्कुल मैंने बटन मशरूम को बीच में से कट किया है। यहां से इस तरीके से हम बटन मशरूम को जो है वो कट करेंगे, बिल्कुल आधा इसको एक पार्ट के अंदर हमें जो है डिवाइड कर देना है 50-50 इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने इसको कट किया है और इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी थी, जो इसकी स्टिक थी एक तरीके की, जिसे हम स्टिक कह सकते हैं, ये जो स्टिक थी मैंने इस स्टिक के ऊपर हल्के हल्के कट लगाए हैं, छोटे छोटे मैंने इसके अंदर से पीसीज निकाल लिए हैं। इन्हीं पीसीज को अब मैं जो आपकी टेस्ट ट्यूब है उस टेस्ट ट्यूब के अंदर इसको इनोकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमें जितनी भी चीजें हम यूज करेंगे सारी की सारी आपकी स्टरलाइज होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीजें मैंने ऑटोक्लेव के अंदर स्टरलाइज कर रखी है। तो एक पीस को हम उठाएंगे और इस फ्रूटिंग बॉडी में से, या फिर आपकी जो टिश्यू जो मशरूम है, इस मशरूम में से मैं एक छोटा सा पीस उठाऊंगा और इसको जो है हम अपने टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे। बहुत ज्यादा बड़ा पीस नहीं लेना है आपको। टेस्ट ट्यूब को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इसके अंदर जो है इसको थोड़ा सा फ्लेम करेंगे, और फ्लेम करने के बाद एक टिश्यू कल्चर को जो हमें इसके अंदर इंसर्ट कर दूंगा। उसके बाद दोबारा से जो है कॉटन प्लग का यूज को हम स्टरलाइज करेंगे, फ्लेम करेंगे और उसको जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर लगा देंगे। इसका जो ओपनिंग है उसको क्लोज कर देंगे। ये आप देख पा रहे हैं मैंने टिश्यू कल्चर की चार टेस्ट ट्यूब बनाई है मैंने टिश्यू कल्चर की, मदर कल्चर जिसको हम कह सकते हैं। और इनकी बहुत जल्दी एक दो दिन के अंदर आप देखेंगे तो पूरी माइसीलिया इनके अंदर जो है वो फैल चुकी होगी। तो ये तरीका था हमारा कि हम घर से ही मशरूम को ग्रो करना स्टार्ट कर सकते हैं, अपना टिश्यू कल्चर बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ये टिश्यू कल्चर जब रेडी हो जाएगा तो इसी टिश्यू कल्चर को यूज करके हम आगे जो है स्पोन बनाएंगे। टिश्यू कल्चर और स्पोन दोनों के अंदर डिफरेंस है। ये जो है ये टिश्यू कल्चर है, जो आप गेहूं के दाने से बनाते हैं वो आपका स्पोन होता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब ये रेडी हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि इस टिश्यू कल्चर को यूज करके हम अपना स्पोन कैसे बना सकते हैं। तब तक जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के ऊपर। आप भी अगर मशरूम ग्रो करते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल के ऊपर आपको डिफरेंट डिफरेंट मशरूम्स की वीडियोस आपको देखने को मिलती हैं, उनको कैसे ग्रो करते हैं, और टेक्निकल नॉलेज आपको यहाँ से मिलती है मशरूम से रिलेटेड। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।